इस्लाम धर्म को लेकर बाबा रामदेव ने दिया बयान, देश में मचा है हंगामा। बॉलीवुड के मुस्लिम अभिनेताओं को बाबा रामदेव ने बताया नशेड़ी। शाहरुख खान, आर्यन खान, सलमान खान पर भी लगाए संगीन आरोप। लोगों को हैरान कर देगा योग गुरु बाबा रामदेव का ये बयान। योग गुरु बाबा रामदेव का एक हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें इस्लाम धर्म को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। साथ ही बॉलीवुड के मुस्लिम अभिनेताओं पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। इसके बाद देश में हंगामा मचा हुआ है। इस्लाम धर्म और बॉलीवुड के मुस्लिम अभिनेताओं के साथ साथ कुछ राजनीतिक पार्टियों को भी बाबा रामदेव ने अपना निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम में कोई भी शराब पी ले तो उसे कहते हैं कि वो नापाक हो गया है, लेकिन जिन्ना दारू पीता था वो मर गया, अच्छा हुआ। इस्लाम में शराब को लेकर सख्ती है तो बीड़ी सिगरेट का नशा हावी हो गया है। आज पूरे देश में कोई पवित्र समाज है तो वो सिर्फ आर्य समाज है, जिसे मानने वाले किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। बाबा रामदेव आर्य समाज के मंच से देश को नशा मुक्त करने का आह्वान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब इस्लाम में शराब पीने वाले को नापाक कहते हैं तो आप तो फिर भी ऋषियों के वंशज हैं। आप शराब, ड्रग्स, सिगरेट और दूसरा नशा क्यों नहीं छोड़ देते हैं? आर्यवीर दल के युवा देश में जहां भी रहें वहां नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए। बाबा रामदेव ने नशे पर वार करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। पहला हमला उन्होंने बॉलीवुड पर ही किया। कहा, बड़े बड़े फिल्म स्टार ड्रग्स ले रहे हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड नशे की गिरफ्त में है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ड्रग्स लेते हुए सलमान खान का बेटा पकड़ा गया और वो जेल गया। बाबा रामदेव ने दो बार सलमान खान का नाम लिया, फिर आसपास के लोगों ने उन्हें करेक्ट किया कि वो सलमान खान नहीं बल्कि शाहरुख खान का बेटा था। इसके बाद बाबा रामदेव ने कहा कि शाहरुख खान का बच्चा ड्रग्स लेते पकड़ा गया, सलमान भी ड्रग्स लेता है। बाबा रामदेव मुरादाबाद में सर्किट हाउस के पीछे बुद्धि विहार फेज टू में हुए आर्यवीर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, चुनाव आते ही कुछ राजनीतिक दल समाज को जातियों और पंथों में बांटने की कोशिश करते हैं। ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुसलमान का गठजोड़ बनाने की कोशिश होती है, लेकिन ये भी कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा, सिर्फ आर्य समाज है जो कोई भेदभाव नहीं करता है, यहाँ सभी जातियाँ एक समान है। आर्य समाज देश को जाति मुक्त और समानता युक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आर्य समाज लोगों को आचरण और चरित्र से लेकर हर तरह की दिव्यता प्रदान करता है। बाबा रामदेव ने कहा कि परिवर्तन शासन से नहीं बल्कि आत्म अनुशासन से आएगा। यह आत्म अनुशासन आर्य समाज सिखाता है। योग गुरु ने गुजरात और बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि शराबबंदी से नशा मुक्ति संभव नहीं। बिहार और गुजरात में शराबबंदी के बावजूद लोग शराब पी रहे हैं। नशा मुक्ति आत्म अनुशासन से ही हो सकती है। मैं साधुओं से कहता हूँ कि आपने तमाम व्यसन और सांसारिक मोहमाया भी छोड़ दी है तो फिर चिलम क्यों नहीं छोड़ देते? बीते कुछ सालों से बॉलीवुड में कथित तौर पर ड्रग्स रैकेट की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसमें कई स्टार्स का नाम सामने आ चुका है। अब योग गुरु बाबा रामदेव ने ड्रग्स मामले में कई अभिनेताओं पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि सलमान खान सहित कई एक्ट्रेस ड्रग्स लेती हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स के कनेक्शन को लेकर कई बातें सामने आ चुकी हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ड्रग्स कनेक्शन की चर्चा शुरू हुई थी, तभी से एनसीबी के निशाने पर बॉलीवुड और उसके स्टार चल रहे हैं। ड्रग्स और बॉलीवुड को लेकर राजनीति भी काफ़ी तेज गर्मा चुकी थी। पिछले साल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था।